नमस्कार, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज है 22 अप्रैल और हम लोग आप लोग के सामने हैं, और आज के करंट अफेयर्स आप लोग के सामने। ये जो डेली बेसिस की जो वीडियो होती है मॉर्निंग में, वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग ले लेते हैं कि कल एक क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से कि एक जो साइक्लोन आया है ईस्टर्न अफ्रीका के क्षेत्रों में, मतलब अफ्रीकी पूर्वी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में ये साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन का नाम क्या था, जहाँ जिसमें कि मोजाम्बिक वगैरह में काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही मची है। तो इसमें ऑप्शन ये थे और ये आंसर आपका विंस्टन था। क्या था? विंस्टन। देखिए, मोजाम्बिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दालों के लिए बहुत फेमस है, पल्सिस का यहाँ प्रोडक्शन बहुत होता है इंडिया के बाद, वहाँ पाँचवें नंबर पे दुनिया में मोजाम्बिक का नंबर आता है पल्सिस के लिए, तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो आंसर क्या मिल गया था? विंस्टन। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मतलब कैबिनेट ने, किस लॉन्च व्हीकल को, मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं SLV, भारत अलग अलग प्रकार के SLV यूज़ करता है, तो भी किसको कंटिन्यू करने के लिए, फोर्थ फेज में भी किस लॉन्च व्हीकल को कंटिन्यू करने के लिए कंफर्मेशन दे दिया है। ऑप्शन है आपके आगे PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या GSLV, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, या JKLS या KPLV। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोग के आगे है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बिना गूगल किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर एसएल वर्ल्ड ने एक इंटरैक्टिव बर्ड पार्क बनाया। इंटरैक्टिव बर्ड पार्क मतलब जहाँ दोनों तरफ से इंटरैक्शन, मतलब आप पक्षियों को टच कर सके, उनको छू सके, उनको फील कर सके, है ना, इस तरीके का एक बड़ा स्ट्रेच बनाया है। कहाँ पे? अपने आप में ये भारत में इस तरह का पहला पार्क है, और ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा गया, स्वतंत्र पक्षी विहार। तो कहाँ किया गया इसको? दिल्ली, पुणे, मुंबई या जयपुर, बताइए। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। तो इसका आंसर होगा मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। यह बर्ड पार्क अपनी तरह का पहला पक्षी विहार है जहाँ लोग पक्षियों को छू सकते हैं तथा उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है कि इंटरनेशनल मानकों को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो, है ना, और इस प्रक्रिया के दौरान, कि इंटरेक्शन के दौरान जो पक्षी है वो पूरी तरह सेफ रहे, इसके भी मानक तैयार किए गए हैं। तो ठीक है, ये हो गया, अपने आप में इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत भारत के युवा छात्रों के जीनोम का अनुक्रमण किए जाने की, जीनोम का अनुक्रमण किए जाने की योजना तैयार की गई है? मतलब जीनोम की जो स्टडीज है उसको प्रमोट करने के लिए, युवा बच्चों को, यंग्स बच्चों में ये स्किल डेवलप करने के लिए काम शुरू किया गया है, तो किस संस्था ने परियोजना शुरू की है जीनोमिक्स की? तो ऑप्शन में आपका तो दिया CSIR, फिर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान संस्थान, या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। तो ऑप्शन के साथ अब आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या कह रहा है? CSIR। ठीक है, रसायन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का ये प्रोग्राम है, जिसके तहत ये जीनोमिक्स की जो स्टडीज़ है उसके बारे में छात्रों को उसकी उपयोगिता बताएगा और अगली पीढ़ी को इस विषय में शिक्षित करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो CSIR, बस बाकी ज़्यादा चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट नहीं दिख रही है। ठीक है, आप चाहे तो कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि कितने लोग हैं, बाकी ये जब आप कोई राइटिंग करते हैं, राइटिंग मेंस का पेपर लिखते हैं, वहाँ पे ये कंसेप्ट काम आता है, वन डे एग्जाम में हमें इतने से काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीन लिजर्ड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस PDF का। मरीन लिजर्ड के नाम से किसी देश ने एक ड्रोन बोट बनाई है, ड्रोन नाव बनाई है, वो कौन सा देश है? तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है कि ड्रोन नाव बनाने वाला देश कौन सा है? रूस, चीन, भारत या अमेरिका, बताइए। आंसर आ गया चीन। क्या है? चीन। ठीक है, ये दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नाव का सफल परीक्षण हुआ है, अपने आप में पहली है तो इंपॉर्टेंट हो गया, चाइना ने बनाया तो इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया का पड़ोसी है, और एक इस तरीके के जब हथियार बनते हैं तो वो न्यूज़ बनती है और वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो भारत के बने चाहे वो कहीं भी बने, दुनिया में पहली बार हुआ है इसलिए ये लिजर्ड ड्रोन इंपॉर्टेंट हो गया है, मरीन लिजर्ड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे सीधे नाम पूछा जाता था कि मरीन लिजर्ड क्या होता है, क्या चीज़ है, एक अस्त्र है, शस्त्र है, क्या है, है ना, या कोई प्लान है, तो आप क्या कोई इस तरह से आएगा, लगेगा कि भाई कोई स्कीम चल सकती है या कोई योजना होगी, तो आपको देखना होगा एक ड्रोन नाव है, ठीक है, चाइना ने डेवलप की है,
नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2019 को अपने प्रोजेक्ट 15B के तहत एक तीसरे निर्देशित मिसाइल विध्वंसक को लॉन्च किया है। मतलब एक प्रोजेक्ट 15B के तहत बेसिकली सबसे पहले INS विशाखापट्टनम को बनाया गया था, जो कि स्टिल्थ वेसल है, लड़ाकू नौसैनिक पोत है भारतीय नौसेना का। इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे युद्ध पोतों को बनाए जाने की प्रक्रिया है। इसी के तहत अभी हाल ही में एक युद्ध पोत को तैयार किया गया है और उसका नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो ऑप्शन है INS इम्फाल, INS शौर्य, INS गंगा या INS विराट। INS मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो इसमें चलते हैं हम लोग और आंसर इसका है INS इम्फाल, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, दो दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेसिकली स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जिसको रडार कैच ना कर पाए, है ना, जो रडार को चकमा दे के भी अपने कार्य में लगा रहे। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत कुछ स्टिल्थ वेसल्स बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। ये देखिए ये हो गया, इसमें पूरा डिफाइन किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। 20 अप्रैल को अपने प्रोजेक्ट 15B के हिस्से के रूप में अपने तीसरे निर्देशित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल को लॉन्च किया गया। मतलब कोई अगर गाइडेड मिसाइल अगर आती है तो इससे ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। गाइडेड मिसाइल वो होती है जिसमें टारगेट लॉक करके फिर उसको फायर किया जाता है, ठीक हो गया। 2015 में भारत ने अपना पहला बनाया था इसमें INS विशाखापट्टनम, ठीक है ना। ये देखना होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट। तो INS विशाखापट्टनम और INS इम्फाल इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 1,00,000 करोड़ से भी अधिक की कमाई करने वाली पहली रिटेल कंपनी बन गई, खुदरा कंपनी बन गई है, ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी है वो? ई कॉमर्स नहीं, रिटेल कंपनी बनी है। ऑप्शन आपके शॉपर स्टॉप, फ्यूचर ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप या रिलायंस रिटेल। देखिए रिलायंस रिटेल बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी के प्रतिनिधित्व वाली एक कंपनी है और ये कंपनी 1,00,000 करोड़ के कैपिटल वाली कंपनी बन गई है, रिटेल सेक्टर की पहली कंपनी है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जब TCS 1,00,000 करोड़ कंपनी बनी थी तो कई बार परीक्षाओं में ये आया था। IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है TCS आज की डेट में। तो ये क्वेश्चन बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, यहाँ से चीज़ें निकल के आ सकती हैं, तो इसके विषय में आप लोग जान लीजिए। देखिए रिलायंस रिटेल का जो वार्षिक रेवेन्यू है वो 1,00,000 करोड़ के ऊपर पार कर गया है और ऐसा कमाई करने वाली ये भारत की पहली रिटेल कंपनी है, ठीक है जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप किसका है? मुकेश अंबानी का है। कितने? 2018-19 के लिए 1,30,556 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 89% अधिक है, इसीलिए मुकेश अंबानी को जाना जाता है। चलिए तो इसके साथ हो गया, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे फैक्ट को सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन प्रकार के अणु का पता लगाया, मतलब सबसे प्राचीन अणु का पता लगाया, कौन सा अणु है वो सबसे एटम? आर्गन फ्लोरोहाइड्राइड आयन, कैल्शियम हाइड्राइड आयन, हीलियम हाइड्राइड आयन या पोटेशियम हाइड्राइड आयन? तो हीलियम हाइड्राइड आयन जिसका फॉर्मूला है HeH+, ठीक है। ये सबसे प्राचीन अणु का पता लगाया गया है इसको और ये माना जा रहा है कि करीब 14 बिलियन वर्ष पहले बना था, तो अब तक का सबसे प्राचीनतम कण माना जा सकता है इसको। अच्छे तरीके से घुमा के इस क्वेश्चन का पूछा जा सकता है 15 बिलियन ईयर अगो। और इसका पता किसने लगाया? नासा ने लगाया है, ठीक है। उनकी एक उड़ान वेधशाला है सोफिया और एक है, हाँ, सोफिया के द्वारा इसका पता लगाया गया है, ठीक है। बस हीलियम ने पहले मुक्त हाइड्रोजन की मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुक्त रूप से पहला तटस्थ परमाणु बनाया, क्लियर हो गया। नासा, सोफिया और हीलियम हाइड्राइड आयन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल 2019 को श्रीलंका में पहले उपग्रह को नासा की उड़ान सुविधा से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका ने अमेरिका के नासा की मदद से अपना पहला उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम लंकाई सेट 1 है या रावण 1 है या एमिसेट 1 है या जीसेट 3-1 है? आंसर है रावण, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और
अब ये इनिशियल स्टेजेस का है, मतलब बहुत बेसिक काम करेगा, लेकिन इसी से श्रीलंका और ये नेपाल का भी कुछ समय पहले हुआ था, तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी श्रीलंका न्यूज़ में भी रहेगा कुछ दिन, बिकॉज वहाँ बहुत फेमस, बहुत विध्वंसक बम ब्लास्ट हुआ है, आत्मघाती हमला हुआ टेररिज्म का, और इस तरह का पहला हमला माना गया है वहाँ पर, ये जिसमें कि ईस्टर के अवसर पर चर्च को और ऐसी जगहों को निशाना बनाया गया जहाँ क्रिश्चियन आबादी थी। तो बहुत ही दुखद घटना थी। और चलिए, इसीलिए श्रीलंका से इर्द गिर्द जो कुछ न्यूज़ें हैं वो आप लोगों को थोड़ा अलर्ट पर रख के उसको न्यूज़ बनानी पड़ेंगी। ये रावण वन जैसे मैंने बता दिया, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रैल 2019 में यूएस पुरुष क्ले कोर्ट चैंपियनशिप में अपना पहला एटीपी खिताब किसने जीता है, पहला एटीपी खिताब जीतने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लेकिन स्टिल हम देखते हैं। गोंजालो लामा, पाब्लो क्यूवास, क्रिश्चियन गेरिन या जूलियो पेराल्टा। तो आंसर होगा क्रिश्चियन गेरिन होंगे इसके, ठीक है, बस देख लीजिएगा इसको, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आए हुए हैं। क्रिश्चियन गेरिन पहला एटीपी जीतने वाले। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कंपनी सोनी द्वारा जापान में हाल में टैक्सी सेवा शुरू की गई, किस नाम से सोनी की टैक्सी सेवा शुरू की गई है, कहाँ पे जापान में, किस नाम से, वी प्राइड, एस प्राइड, एक्स टैक्सी, पीर रोड। तो आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे वाला, एस राइड। क्या आएगा, एस राइड, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सोनी ने शुरू किया है, जिसमें एस का अर्थ सिंपल, स्मार्ट और स्पीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस सरकारी विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर पर 3 महीने के भीतर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के संबंध में समितियां गठित करने के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्देश दिया गया है, मतलब रिपोर्ट देने के बारे में रिपोर्ट दिया गया, क्योंकि मतलब भाई 3 महीने के अंदर बायोडाइवर्सिटी को लेके कमेटियां बनाइए, ये ऑर्डर किसने दिया है। ऑप्शन आप लोग क्या हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, NGT मतलब राष्ट्रीय हरित पंचायत, या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, या सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर आएगा NGT। ऐसे ऑप्शन आए तो NGT को लेके जाएंगे, बिकॉज NGT बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और इसमें इसके जो हेड होते हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और परीक्षा में इसको इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, या इसका यूज आप कर सकते हैं राइटिंग प्रैक्टिस में। ये हो गया, और इसी के साथ मेरा धन्यवाद भी आ गया आप लोगों के लिए, और यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, और जो भी फीडबैक होगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।